हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SYA एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करने वाले हैं, जेंडरिंग पार्टीशन। वैसे सोशियोलॉजी का भी ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एंड जनरली एसेज वगैरह में काफी काम आएगा। ठीक है, जेंडरिंग पार्टीशन। ठीक है, तो काफी टॉपिक्स आते हैं जेंडरिंग वर्ड से। UPSC भी काफी एसेज वगैरह पूछता रहता है इन्हीं टॉपिक्स पे। चलिए बिगिन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने अभी तक देखा कि एक चीज आपको यहाँ पे समझनी होगी इंपॉर्टेंट, कि डिसीजन जो भी ले रहा है वो सब मैन है। ठीक है, सब मर्द ही लोग डिसीजन ले रहे हैं। होंगी एक दो गिनी चुनी औरतें, मुझे तो याद नहीं आ रही जिन्होंने डिसीजन लिया। आपको आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। ब्रिटेन देख लो, पाकिस्तान देख लो, इंडिया देख लो, दुनिया देख लो, उस टाइम की सारे डिसीजंस मैन ने लिए। लेकिन भुगता किसने सबसे ज्यादा? वुमेन ने। तो ये एक पॉइंट है जो आजकल थोड़ा सोच में भी आ रहा है कि दैट्स व्हाई वी शुड हैव मोर वुमेन लीडर्स इन द वर्ल्ड। उसका थोड़ा पॉजिटिव्स भी दिख रहे हैं दुनिया भर में। जैसे जर्मनी अभी एंजेला मर्केल हैं, और आपने न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर भी देखी होंगी, काफी पॉपुलर है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज हमें अंडरस्टैंड यहाँ पे करनी होगी कि डिसीजन मैन ने लिए, भुगता वुमेन ने। अफगानिस्तान में फॉट हुई, अभी इराक में फाइट हुई रिसेंटली, डिसीजन मैन ने लिया, भुगता वुमेन ने। तो ये एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, दैट्स वाई ये जो टॉपिक्स हैं काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गए। टॉपिक का नाम है रिकवरिंग वुमेन। ठीक है, पहला टॉपिक जो हम इस लेक्चर में देखेंगे, बाकी टॉपिक्स नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो इन द लास्ट डिकेड एंड हाफ, हिस्टोरियंस हैव बीन एग्जामिनिंग द एक्सपीरियंसेस ऑफ ऑर्डिनरी पीपल ड्यूरिंग द पार्टीशन। तो हिस्ट्री जो शिफ्ट हो गई है दोस्तों आजकल के टाइम में, मेडिवल हो, एंशियंट हो, मॉडर्न हो, वो आम जनता पे फिक्स हो गई है। पहले तो लीडर्स लीडर्स की बात करते रहते थे, किंग की, कोई किंग, बड़े बड़े लोगों की, नोबल, ये सब की। लेकिन अब देखते हैं कि ऑर्डिनरी लोगों की लाइफ क्या थी। ठीक है, तो स्कॉलर्स हैव रिटन अबाउट द हॉररिंग एक्सपीरियंसेस ऑफ वुमेन इन दोज वायलेंट टाइम्स। बिना बताए आप इमेजिन कर ही सकते हो कि क्या क्या हुआ होगा। वुमेन वर रेप्ड, एबडक्टेड, सोल्ड ऑफन मैनी टाइम्स ओवर, राइट, फोर्स टू सेटल डाउन टू अ न्यू लाइफ विद स्ट्रेंजर्स इन अननोन सर्कमस्टेंसेस। जो इमेजिन कर सकते हो आप वो हुआ, जो इमेजिन कर सकते हो, राइट, वो हुआ। यहाँ पे क्या नाम है चाहता भी नहीं। डीपली ट्रॉमेटाइज्ड, आप फिर साइकोलॉजी समझ सकते हो उन वुमेन की, बाय ऑल दैट दे हैड अंडरगॉन, सम बिगिन टू डेवलप न्यू फैमिली बॉन्ड्स इन देयर चेंज्ड सर्कमस्टेंसेस। सो दोस्तों क्या हुआ, काफी वुमेन बच गई। ठीक है, बाय समहाउ और द अदर दे वर ट्रीटेड बैडली, और उसके बाद वो बच गई, जिंदा बच गई। तो उन्होंने सोचा अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ। जैसे इंडिया में सब आप इमेजिन कर सकते हो कि इंडिया में अगर कोई वुमेन रह गई, मुस्लिम वुमेन, उसके सारे के सारे जो फैमिली मेम्बर्स थे या तो वो पाकिस्तान भाग गए, या एक और कंडीशन ले लेते हैं कि या तो उसके फैमिली मेम्बर सारे के सारे मर गए और जो इंडिया में मुस्लिम वुमेन रह गई, उन्होंने इंडिया में ही फिर शादी कर ली। काफी काफी केसेस थे, किसी ने मुसलमान से ही शादी करी, किसी ने हिंदू से ही शादी करी, किसी ने सिख से शादी करी, किसी ने अपना इंडिपेंडेंट रहना डिसाइड करा। इंडिपेंडेंट रहना उस टाइम में तो फिजिबल था ही नहीं, तो वो केसेस आपको दिखेंगे ही नहीं। तो ऐसे आपको सर्कमस्टेंसेस काफी ज्यादा दिखेंगे कि वुमेन ने अपनी लाइफ स्टार्ट कर दी। आई होप मेरा पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा कि फैमिली मेंबर्स सब चले गए, वुमेन ने अपनी लाइफ स्टार्ट कर दी। हमने ये काफी मूवीज में भी देखा हुआ है ना, भारत करके सलमान की मूवी आई थी, फिर गदर मूवी आई थी, आपको याद होगी 2000-2001 में कभी आई थी, फिर अब गदर 2 भी आ रही है, राइट। गदर मूवी का तो हम सीन यहाँ पे पूरा का पूरा पढ़ेंगे। ये जो आपको इंसिडेंट बॉक्स में दिखाए पूरा गदर मूवी है, लेकिन एंड अलग है। तो दोस्तों आपको ये पॉइंट समझ में आ गया कि काफी वुमेन उस जगह पे रह गई, मैन चले गए। लेकिन सरकारें इतनी मतलब इनसेंसिटिव हैं, ये आपको यहाँ पे दिखेगा, भारत की सरकार हो या पाकिस्तान की सरकार हो, वो इनसेंसिटिव थी टुवर्ड्स देम। ठीक है, तो हम वो चीज यहाँ पे थोड़ा सा नोटिसेबल देखेंगे। बट द इंडियन एंड पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स वर इनसेंसिटिव टू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स। वो इंडिया पाकिस्तान में लगे हुए, वो हिंदू मुस्लिम में लगे हुए सरकारें, कि अच्छा जी आपके सारे फैमिली मेंबर्स तो चले गए, आप यहाँ क्या कर रही हो? अच्छा जी आपके सारे फैमिली मेंबर्स तो मर गए, आप यहाँ क्या कर रही हो? पहले तो वो ट्रॉमेटाइज्ड हुई, पता नहीं क्या क्या बीती, और फिर उनको ऐसे ट्रीट कर रहे। ये एक चीज है। अगेन इसका रीजन आप अगर देखें तो मैनी लीड कर रहे थे। ठीक है, बिलीविंग द वुमेन टू बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बॉर्डर, दे नाउ टोर देम अवे फ्रॉम देयर न्यू रिलेटिव्स। तो एक वुमेन आप इमेजिन करिए,
चलिए पाकिस्तान ले लेते हैं केस, हुआ तो दोनों साइड ही। पाकिस्तान में एक हिंदू वुमेन रह गई, उसके सारे फैमिली मेंबर्स या तो मर गए या भाग गए, और उस हिंदू वुमेन ने किसी लेट से मुसलमान से शादी कर ली, ठीक है, और अपनी नई लाइफ चल रही है उसकी, बच्चे भी हो गए। अब सरकार आ गई, पाकिस्तान सरकार, कि भैया तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम तो हिंदू हो। उसने अपना रिलीजन भी बदल दिया, तब भी वो बोल रहे तुम तो हिंदू हो, तुम यहाँ से जाओ, तुम इंडिया जाओ। उसकी न्यू फैमिली जो है उसको तंग कर रहे हैं, ये चल रहा है। तो आप समझ सकते हो कि सरकारों का मतलब या तो दिमाग चला गया था या उन्होंने ये समझा ही नहीं चीजें। दे नाउ टो देम अवे फ्रॉम देयर न्यू रिलेटिव्स। तो मतलब एक वुमेन को पहले तो अपनी पहली फैमिली से वो पिछड़ी, अब उसने न्यू लाइफ को सोच के रहना शुरू करा, उससे भी छुड़वा रही है सरकार, ये भी हुआ। एंड सेंड देम बैक टू देयर अर्लियर फैमिलीज और लोकेशंस। अब आप ये बताओ, ये हिंदू वुमेन जिसने मुसलमान से शादी कर दी और मुसलमान में कन्वर्ट भी हो गई, अगर आप इसको इंडिया भेज दोगे और इसकी फैमिली के पास भेजोगे कि हाँ जी जाओ, तो वो फैमिली एक्सेप्ट करेगी? उस टाइम में ये तो था नहीं 1947 में कि हाँ वुमेन के लिए खूब अपॉर्चुनिटीज हैं। आज अपॉर्चुनिटीज की बड़ी दिक्कत है, उस टाइम में तो और दिक्कत। तो क्या हुआ होगा, ये चीजें हुई, और ये एक के साथ नहीं, ये लाखों के साथ, दोनों साइड ऑफ बॉर्डर्स पे, ठीक है। दे डिड नॉट कंसल्ट द कंसर्न वुमेन। अरे भैया उससे तो पूछ लो, वुमेन से, उसे कहाँ रहना है। उनका तो ये था कि हाँ जी जहाँ मर्द है वहीं औरत का वो है घर। ये एक मानसिकता थी जो पिछड़ी हुई मानसिकता थी और जो अभी भी चल रही है, हमें मानसिकता खत्म करनी होगी। डिड नॉट कंसल्ट दी कंसर्न वुमेन, अंडरमाइनिंग देयर राइट टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग देयर ओन लाइफ। मतलब अपना डिसीजन वो खुद नहीं ले सकती, आप ये कह रहे हो, वापस भेज रहे हो उसके कंट्री में। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट 30,000 वुमेन वर रिकवर्ड ओवरऑल। रिकवर्ड मतलब ऐसी वुमेन को ढूंढ ढूंढ के निकाला, ऐसी वुमेन को ढूंढ ढूंढ के निकाला, ठीक है, दोनों कंट्रीज ने, पाकिस्तान और इंडिया ने, कि रिकवर करो और उनको उनके कंट्री में भेजो, ठीक है, एक अभियान चला। हाँ, रिलेटिव्स के लिए ढूंढना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन उन अच्छा अभियान भी था ये दोस्तों। कुछ कुछ इसके पॉजिटिव्स भी थे। आप जैसे पॉजिटिव्स आप अगर देखो तो काफी फैमिलीज को सरकारों ने मिला दिया, एक फैमिली पाकिस्तान चली गई, एक फैमिली इंडिया में रह गई, मिला दिया सरकार ने, ठीक है, बहुत अच्छा काम भी करा काफी जगह, ऐसा नहीं है कि परफेक्टली बुरा काम है। लेकिन एक सरकार ने जो मिस्टेक कर दी वो उन वुमेन से पूछना भूल गई कि उन्हें क्या चाहिए। अब वापस क्यों भेज रहे हो उन्हें उसी प्रॉब्लम में, है ना। अगर वो पाकिस्तान में रह रही है एक हिंदू वुमेन, तो पाकिस्तान में रहने, तो न्यू फैमिली बन गई है। अगर कोई इंडिया में वुमेन रह रही है, जो भी रिलीजन है, तो इंडिया में ही रहने, तो अब न्यू फैमिली बन गई है। लेकिन आप दूसरी अपनी उनकी पुरानी फैमिली से मिला रहे हो, वहीं पे भेज दे रहे हो, मिला क्या रहे हो, मतलब मिला के वापस नहीं रख रहे, वहीं भेज दे रहे, जाओ भी वहीं रहो। तो अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट 30,000 वुमेन वर रिकवर्ड ओवरऑल, 22,000 इसमें से वो मुस्लिम वुमेन इन इंडिया, 8,000 हिंदू एंड सिख वुमेन इन पाकिस्तान। तो दोनों देश अपनी नालायक हरकतों पर लगे रहे, डेवलपमेंट तो किया नहीं, फोकस डेवलपमेंट पे किसी का रहा नहीं, ठीक है, इन चीजों में लगे रहे, क्योंकि इतना टाइम जो स्पेंड कर रहे हो इन सब में, अच्छा डेवलपमेंट कुछ कर लेते हैं ना। वैसे डेवलपमेंट किया लेकिन सेटिस्फैक्ट्री डेवलपमेंट नहीं करा। इंडिया पाकिस्तान को यही क्रिटिसाइज किया जाता है आज तक कि आपने जो डेवलपमेंट किया है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, आपकी पोटेंशियल काफी ज्यादा थी। इन एन ऑपरेशन दैट एंडेड एज लेटेस्ट 1954। पीछे पड़ गए यार, 7 साल हो गए आजादी को, आप इसी के लिए इसी में लग गए, कुछ और काम करो, है ना। तो ये वुमेन कंसोल ईच अदर एज दे हेयर ऑफ द डेथ ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स, मेल्स डाइड इन लार्ज नंबर, लड़े मरे एक दूसरे को मारा, है ना। तो ये हुआ, ये देखो गदर की स्टोरी पढ़ लेते हैं यार, यहाँ तो देखो सरकार पीछे ही पड़ गई। वट रिकवरिंग वुमेन मेंट, इसका मतलब क्या है, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया रिकवरिंग वुमेन का मतलब क्या है, तो ये जो वुमेन को रिकवर कर रहे होंगे ना इस स्टोरी में, वो रिकवरिंग वुमेन का मतलब है, पढ़ लेते हैं। हियर इज द एक्सपीरियंस ऑफ अ कपल रिकाउंटेड बाय प्रकाश टंडन इन द पंजाबी सेंचुरी एन ऑटोबायोग्राफिकल सोशल हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियल पंजाब। तो गदर मूवी है पूरी की पूरी। इन वन इंस्टेंस अ सिख यूथ हु हैड रन अमक ड्यूरिंग द पार्टीशन पर्सुएडेड अ मैसेकरिंग क्राउड टू लेट हिम टेक अवे अ यंग ब्यूटीफुल मुस्लिम गर्ल। तो वही जो गदर में जैसे सनी देवल, मान लो ये सिख यूथ को, और मुस्लिम गर्ल अमीषा पटेल, है ना, और शादी कर ली दोनों ने, स्लोली प्यार हो गया एक दूसरे में, ग्रेजुअली मेमोरीज ऑफ देयर ऑफ हर पेरेंट्स हु हैड बीन किल्ड, लड़की के जो पेरेंट्स मरे थे उनकी जो मेमोरी वो चली गई, है ना, वक्त थोड़ी थोड़ी चीजें जख्म खत्म कर देता है। एंड हर फॉर्मर लाइफ फेडेड, they were soon happy together and a little boy was born, bachcha bhi ho gaya. Soon however social workers and the police laboring assiduously to recover abducted women began to track down the couple. to matlab lag dekho yaar nalayak harkatein shuru ho gayi,
ठीक है, सोशल वर्कर्स और पुलिस दोनों मिलके अब वुमेन को ढूंढ रहे हैं। अच्छा, ये एक मुसलमान वुमेन है जिसे हम पकड़ेंगे और पाकिस्तान भेज देंगे, ये शुरू हो गया इनका काम। सुन तो ठीक है, दे मेड इंक्वायरीज इन द सिक्स होम डिस्ट्रिक्ट ऑफ जलंधर। अब जलंधर पहुंच गए, जलंधर से ये बेचारा सिख यूथ कोलकाता भाग गया। ही गॉट सेंट ऑफ इट एंड द फैमिली रैन अवे टू कैलकाता। कैलकाता चले गए। सनी देओल तो है नहीं कि पूरे 100-200 लोगों को मार देगा, है ना? तो भाई जो रियलिटी है वो तो कैलकाटा चले गए। सोशल वर्कर्स रीच्ड कैलकाटा। अब देखो ये सोशल वर्कर और पुलिस को कलकत्ता पहुंच गए। अच्छा जी, ये वहां गए, उन्हें वहां ढूंढो, असली स्टोरी है, ठीक है। मीन वाइल द कपल्स फ्रेंड ट्राइड टू ऑब्टेन अ स्टे ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट, बट द लॉ वॉज टेकिंग इट्स पॉन्डरस कोर्स। कोर्ट का तो वही हाल है जो आज है तब है, हर टाइम में यही रहा है, डायलॉग बाजी चलती है, आराम आराम से ऑर्डर दे रहा होता है। ठीक है, तो कोर्ट का स्टे ऑर्डर ला रहे थे, दोस्त काम कर रहे थे, ऐसा नहीं था सब लोग बुरे हैं, तो ला रहे हैं, है ना। एंड द सोशल वर्कर्स रीच्ड कैलकटा, ठीक है। और हमने ये पढ़ लिया है कि मीनवाइल द कपल फ्रेंड्स ट्राइड्स टू ऑब्टेन अ स्टे ऑर्डर, कि भाई ये प्रोसेस रोको। तो दोस्तों ये प्रोसेस बनी थी, मतलब लॉ बन गया था कि दोनों देशों के लोगों को इधर उधर शिफ्ट करना है। पाकिस्तान भी कर रहा था, इंडिया भी कर रहा था। इनका मानना ये था, इंडिया पाकिस्तान का, जैसे मैं पहले समझा चुका हूँ, कि हम लोगों को फिर से मिलाएंगे, अमन की आशा करके एक प्रोग्राम भी चला था, आपने सुना होगा, किसी न्यूज पेपर ने शुरू करा था, है ना। तो जी ने करा था शायद, जी चैनल ने, एनीवेज उसमें नहीं जाते। तो जी ने भी अभी रिसेंटली शुरू करा था, सरकारें उस टाइम में कर रही थी कि हम लोगों को मिलाएंगे, नोबल काम सोच के, है ना। तो सोचती सरकार नोबल है लेकिन होता नोबल नहीं, है ना। फ्रॉम कैलकाटा द कपल एस्केप टू सम ऑब्सकोर पंजाब विलेज। पंजाब विलेज चलेगा भैया, ये सोचो उस टाइम में इधर से उधर भाग रहा है एक इंसान, है ना। होपिंग दैट द पुलिस वुड फेल टू शैडो देम, बट द पुलिस कॉट अप विद देम एंड बिगेन टू क्वेश्चन देम। अब वापस ये पंजाब पहुंचे एक जगह, फिर से पुलिस पीछे पड़ गई, है ना। दुनिया भर का काम होता है पुलिस सोशल वर्कर्स को, बस बट उनको इसमें लगाना है ना। हिज वाइफ वाज एक्सपेक्टिंग अगेन एंड नाउ नियरिंग हर टाइम। तो फिर से वो बेचारी एक्सपेक्ट कर रही थी, मतलब सेकेंड बच्चा होने वाला था। द सिख सेंड द लिटिल बॉय टू हिज मदर एंड टुक हिज वाइफ टू अ शुगर केन फील्ड। तो सिख बॉय बेचारा जो था, उसने तो अपनी मदर, मतलब बच्चे को अपनी दादी के पास भेज दिया और वाइफ को शुगर केन फील्ड ले गया, क्योंकि प्यार था, सच्चा प्यार, है ना। तो साथ में रहना चाहते थे दोनों, छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उसको पता था सिख यूथ को कि अगर मैंने छोड़ा तो ये जो सोशल वर्कर पुलिस वाले हैं इसे पाकिस्तान ले जाएंगे और कोई चांस नहीं होगा फिर से मिलने का, और फिर पाकिस्तान में उस लड़की का क्या होगा किसी को नहीं पता। ही मेड हर एज कंफर्टेबल एज ही कुड इन अ पिट व्हाइल ही ले विद अ गन वेटिंग फॉर द पुलिस डिटरमाइंड नॉट टू लूज हर व्हाइल ही वाज अलाइव। तो उसने सोच लिया था, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो मैं इसे छोड़, मतलब जाने नहीं दूंगा। इन द पिट ही डिलीवर्ड हर विद हिज ओन हैंड्स। तो वहीं पे बच्चा पैदा हुआ एक जगह पे, है ना। द नेक्स्ट डे शी रैन हाई फीवर एंड इन 3 डेज शी वाज डेड। तो ये हुआ। अब ये फिल्म तो है नहीं कि हाँ जी स्टोरी बिल्कुल सही रही, बेचारी मर गई। ही हैड नॉट डेयर टू टेक हर टू द हॉस्पिटल। इतना इतना फेयर डाल दिया। ही वॉज सो अफ्रेड द सोशल वर्कर्स एंड द पुलिस वुड टेक हर अवे। इतना डरा हुआ था वो आदमी। तो ये स्टोरी है दोस्तों, और ये एक स्टोरी नहीं, ऐसी काफी सारी दोस्ती स्टोरी है। तो हम कह सकते हैं कि पहले तो सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल ब्रिटेन है ही, पूरी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं सब, लेकिन इंडिया पाकिस्तान की सरकारों ने भी बेटर जॉब कर सकती थी एंड लेसन बेटर लर्न कर सकती थी। मतलब साल बीतते गए, उन्होंने ज्यादा कुछ बेटर जॉब नहीं करी, ठीक है। तो बेटर जॉब आई थिंक यहाँ पे कर सकती थी। तो ये सब अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पार्टीशन ने आम जनता पे बहुत ज्यादा इम्पेक्ट डाला, और हम तो आज इस टाइम में, जैसे हम सब लोग हैं, न्यू जनरेशन है, हम तो थोड़ा इंडिया पाकिस्तान में देखते रहते हैं कि हाँ वो उसको ब्लेम कर दो, इसको ब्लेम कर दो, बट कहीं ना कहीं आप देखोगे कि सभी ब्लेम करने को हैं, पॉलिटिक्स ही है, और आप देखो तो इंसानियत मारी गई, ठीक है। तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल, आई होप रिकवरिंग वुमेन का मतलब समझ में आ गया होगा। रिकवरिंग वुमेन कभी कभी सीधे डेफिनेशन पूछी जा सकती है, वो वाली वुमेन, इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में आप प्रिपेयर कर लोगे, हिंदी में आप प्रिपेयर कर लोगे, जैसा भी आपका है लैंग्वेज, वो वुमेन जिनको फिर से ढूंढ रहे थे, ठीक है, जिनको फिर से ढूंढ रही थी सरकारें कि उनकी फैमिलीज तो चली गई है, उनको ढूंढ लो और उनके देश वापस भेज दो, ये प्लानिंग थी, ठीक है, विदाउट आस्किंग देम। तो रिकवरिंग वुमेन, रिकवर करो,
ये मतलब है, ठीक है। तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा, आप अपने कमेंट्स में फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू एंड टेक